May I come in, ma'am? Yes, come in. What is your name? Rahul Sarkar, ma'am. And age? 14. Okay, कुछ एक्टिंग करके दिखाओ. क्या करके दिखाओ? Okay, you may go. Next. What's your name? Rajiv Shukla. And age? 23. Okay, then do something. क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा. आंखें निकाल के गोटिया खेलता हूँ गोटिया. जब बच्चा लड़का रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गोगो आ जाएगा. ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढा. ओके, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे. नेक्स्ट. मेरा नाम रिजवान खान है. खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस. मैं शायद आप लोगों को थोड़ा अलग लग सकता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल. मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. वेरी स्मार्ट. वाओ. ओके आयन, आई विल इन्फॉर्म यू. क्या कहा आपने? आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया. कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटे छोटे बातें होती रहती हैं. हेलो, कैन आई स्पीक टू आयान? यस, मैं त्रिकाल प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ जहाँ आपने एक्टिंग का ऑडिशन दिया. जी सर, बोलिए. कॉन्ग्रेचुलेशन आयान, आप सेलेक्ट हो गए हो हमारे नेक्स्ट मूवी के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. सर ने आपको कल 12 बजे बुलाया है. ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा कल 12 बजे. और एक बात सुनिए. हाँ बोलिए. एक हफ्ते के अंदर आपको 2 लाख रुपए हमारे ऑफिस में सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए. राजू ने तो जब भेजा है. जी सर. कैसे जानते हो उसे? वो हम लोग एक ऑडिशन में मिले थे वहीं से. पहले कहीं काम किया है? नहीं सर, लेकिन मुझे एक्टिंग आता है. सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ. सर आप एक्शन बोलिए, एक्शन बोलिए. कराची से अंदरून मुल्क के लोग अपनों में, अरे क्या कर रहा है, निकल जाना गाड़ी निकल जाएगी. कराची से अंदरून मुल्क के लोग, अरे बीबी क्या कर रही, उधर से जाओ ना गाड़ी निकल जाएगी.
कराची से अंदरून मुल्क लोग, अरे यार क्या कर रहा तू, रोक लेना यार कराची से अंदरून, ए भाई उधर से जाना यार, कराची से अंदरून मुल्क, ऐसे ऐसे गाली निकल जाएगी तो रोक लेना यार, कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने आ रहे। मैं चाहना हूँ कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ इन चावला। आगे जी बगलन आदमी है साला। सर कैसा लगा सर मेरा एक्टिंग? बैठो। तुम्हारा एक्टिंग तो मुझे अच्छा लगा। लोगों का एक मूवी आने वाला है जिसमें मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी। कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? सर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं। मैंने इससे पहले बहुत सारे जगह पे ऑडिशन दिया, सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन इन्वेस्ट ना करने के कारण मैं कहीं से काम नहीं कर पाया, वरना मैं आज एक्टर बन जाता, एक बड़ा स्टार बन जाता। सर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे हीरो का ही रोल दो, आप मुझे कॉमेडी रोल दो, निगेटिव रोल दो, छोटा बड़ा कोई सा भी रोल दो, चाहे वो एक मिनट का हो, दो मिनट का हो या पाँच मिनट का हो, बस आज सिर्फ आप मुझे एक चांस दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिना इन्वेस्ट किए काम दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ सर आप जो बोले। जैसे कि तुम कहते हो लोग समझते हैं इंडस्ट्री में काम पाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू नो दैट वेरी वेल, इट इज टफ एंड वेरी डिफिकल्ट। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन किसी ऐसे आदमी को लेके आओ, होते हैं ना कुछ लोग जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं साथ ही साथ एक्टिंग भी करना चाहते हैं, किसी ऐसे को लेके आओ। और सेकेंड ऑप्शन है किसी हॉट सेक्सी लड़की लेके आओ, वो हॉट सेक्सी सीन कर सके, जो मुझे थोड़ा एंटरटेन करे, समझ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट मूवी में अच्छा रोल दूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है सर, आता हूँ सर। वेरी नाइस, मुझे तुम्हारा पिक्स बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ। यू नो इस इंडस्ट्री में गिव एंड टेक सिस्टम चलता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो इस इंडस्ट्री में लोग तीन चीजों के लिए आते हैं, एक पैसे कमाने के लिए, दो नाम कमाने के लिए, और तीन जिनको लड़कियों का शौक होता है अपना शौक पूरा करने के लिए। मेरे पास तीन टाइप्स के लोग हैं जो मेरे पार्टनर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। अगर मान लो किसी का दिल तुम पर आ गया तो तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, तभी तुम आगे जा सकते हो और बड़ी मॉडल बन सकते हो। एक्चुअली सर 6 महीने पहले मैं एक मॉडलिंग शो में विनर हुई थी। जब मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस थी एंड मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर लेकर गए। दूसरे दिन ही मुझे ऑफर आया था बड़ी से फोटोशूट का, एंड होपफुली वहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन और डिमांड था जो कि मैं पूरा नहीं की। इवन आप कह सकते हैं कि मैं पूरा नहीं करना चाहती, और मेरी फ्रेंड्स ने किया, That's why, वो आज बहुत बड़ी मॉडल है और मैं बस यहीं की यहीं हूँ क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो तुम्हें क्या लगती है हर लड़की अपना शौक से ये काम करते हैं? You know, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस एंड फॉर योर ओपिनियन, थैंक यू सो मच। पूरा इंडस्ट्री घूम कर देख लो, बिना कॉम्प्रोमाइज में कोई काम नहीं मिलने वाला तुमको।
सर ये मेरा पोर्टफोलियो। उसका कोई जरूरत नहीं है, फोटो में क्या रखा है? एक एक्टर का पहचान, उसका एक्टिंग और टैलेंट बढ़ोतर। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। ओके सर, मैं आपको सलमान खान की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। नो प्लीज, नो मिमिक्री। तो सर मैं किस टाइप का एक्टिंग करके दिखाऊं? ये जो मूवी है पर तुम्हारा एक प्लेबॉय टाइप का कैरेक्टर। ओके सर। अगर मान लो ये एक डिस्को है पर सब नाच रहा है, वहां पर खड़े हो, मैं एक लेडी हूं, तुम मुझे फ्लैटिंग करना चाहते हो, तुम वहां से आके मुझे हाथ पकड़कर डांस फ्लोर तक लेके जाते हो, चलो ये करके दिखाओ। Very nice. What is your height? 5'16" something. Your bicep? I don't know exactly. Your chest? I don't know, sir. Okay, open your shirt. So nice body. Can we have some fun? Sir, what are you doing, sir? Sorry. Oh. असल में हमारे यहाँ पे सब कैरेक्टर का सिलेक्शन हो चुका है, तो तुम कुछ अगर पैसे वैसे दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं सर, प्लीज सर। अरे तुम कौन हो भाई? शाहरुख खान का बेटे हो क्या या फिर अमिताभ बच्चन का पोते हो? मैं तुम्हें क्यों लूं फिल्म में? दोबारा शक्ल मत दिखाना। विदाउट इन्वेस्टमेंट नो चांस। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। बिकॉज आप ही की कंपनी है जो बड़े मॉडल की एजेंसी है सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक चांस दीजिए सर। प्लीज सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक चांस प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? मेरा बैठो बैठो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चांस दूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। क्या सोच रही हूँ? बस एक ही बार की तो बात है, सिर्फ रोमांस करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आ कमिंग सर। अरे तू? वो सर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते हुए जाऊँ। और आपने जो वो मूवी के बारे में बोला था उसका क्या हुआ? अरे वो तो नेक्स्ट मंथ है। चल ठीक है, तू जा, मैं तुझे नेक्स्ट मंथ कॉल करके बताता हूँ। ओके सर। अरे सुन, गेट सही से बंद करके जाना। कहानी है ना कमियों की, ये कहानी है ठोक।
ये मेरा डायलॉग है, आपकी फिल्म का हीरो मैं ही हूँ। ओके सर, मैं याद कर लेता हूँ। नहीं खाया खून। ओके सर, शॉट रेडी, आप सबको रेडी कर लिए। रोलिंग, कैमरा, एक्शन। नायक नहीं, कल नायक हूं मैं। ए, हट हट। माननी 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 माननी, कैसा लगा मेरा एक्टिंग? इसी तरह कुछ कहानियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग अपना सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं पाते। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बन के रह जाते हैं कुछ और।